कुछ VIP MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के MCQs हैं। इंफ्रा रेड इज इन, तो ना लाइमन ना पामर, पेस्टन। ठीक है, नियर और फॉर की बात ही नहीं है क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी मे बी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ 2 माइक्रोफेरेड कंडेंसर इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, बता चुका हूँ कई दफ़ा, इस पर न्यूमेरिकल करा चुका हूँ क्लास में, इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ 2 × 10⁻¹। और V 1000 है यानी 10³ का स्क्वायर, तो सब कुछ सॉल्व हो गया बच्चों, 1 जूल आंसर आ जाएगा। ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इस लेंथ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। ये ट्रिक भी बताइए कि जितनी टाइम रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर टाइम बढ़ती है, यानी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सो दैट इट लेंथ बिकम n टाइम द ओरिजिनल वैल्यू द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अभी तो बात की है, n टाइम बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर R बढ़ जाएगी। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्लास में कई बार कराया हुआ है। ईच ऑफ लेंथ 1/4, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन द अफेक्टेड रेजिस्टेंस। 4 को पैरेलल कर दिया, पहले ही 1/4 कर दिया, फिर 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा R/16 बच्चों। ठीक है,